राजस्थान में स्टार्टअप की विविधता की अपार संभावना है। खासकर हस्तकला ही नहीं, पर्यटन सहित इससे जुड़े विषयों पर नए उद्यमी अपनी पहचान बना सकते हैं। दुर्गापुरा में टाई राजस्थान की ओर से दो दिवसीय स्मैश अप में 24 स्टार्टअप निवेशकों से निवेश के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। टाई राजस्थान के अध्यक्ष चिराग पटेल के अनुसार स्मैश अप के लिए करीब 500 स्टार्टअप ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें से केवल 24 स्टार्टअप को लिस्टेड किया गया। दो दिन चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 14 निवेशक इन कंपनियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। स्टार्टअप्स एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टार्टअप्स 100 साल पहले भी थे, 500 साल पहले भी थे। न्यू क्या हो रहा है कि रिस्क कैपिटल, जो फंडिंग जो आ रहा है, वो कई डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, एंजल नेटवर्क्स, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी से आ रहा है। तो एक बड़ा चेंज इंडिया में हम अभी विटनेस कर रहे हैं। दूसरा कि यंगस्टर्स जो आज जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस से बाहर आ रहे हैं, वो एक ईगर लॉट है। उनको कुछ डिसरप्ट करना है, उनको कुछ चेंज करना है, उनको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, तो उनके